सरकार के शुगर मिल बेचने के फैसले ने किसानों को आक्रोशित कर दिया है। पहले किसान टाउन सिटी के निर्माण को लेकर चिंतित थे, लेकिन सरकार ने अब किसानों को दूसरा झटका दे दिया है, जिससे आक्रोशित किसानों ने सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। डोईवाला में किसानों की समस्या कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। जहाँ पहले किसान टाउन सिटी बनाए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो वहीं अब शुगर मिल बेचे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले के विरोध में सैकड़ों किसानों व स्थानीय जनता ने सड़कों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र व धामित सरकार का पुतला दहन किया। लोगों में आक्रोश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार के पुतले को ही जनता ने चप्पल जूतों से जमकर पीटा। किसानों का आरोप है कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर आम जनता और किसानों को पूरी तरह ठगने का काम कर रही है। अभी तक किसान टाउन सिटी को लेकर चिंतित थे, तो वहीं अब सरकार शुगर मिल को बेचने की तैयारी में है, जिससे किसानों की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। इसी को लेकर डोईवाला की जनता व किसानों में भारी आक्रोश है। दिन है जिसमें धरना प्रदर्शन टाउनशिप और स्मार्ट सिटी के विरोध में यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार की यूं तक नहीं रेंग रही है, इसी के तहत नहीं, कल हमें जानकारी मिली कि शुगर मिल डोईवाला को 25/5/2023 का एक पत्र शासन ने निकाला है, जिसमें शुगर मिल को बंद कर इसे बेचने की तैयारी है। हम इसका सख्ताई से विरोध करते हैं, हम इसका आह्वान करते हैं। और सरकार मस्त है, सरकार ने एक और नया काम कर दिया, शुगर फैक्ट्री को बेचने का आदेश कर दिया। 2014 में भाजपा आई थी चाय बेचने के नाम पे और चुपचाप देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। डोईवाले की शुगर फैक्ट्री जो है, शुगर फैक्ट्री से किसान मजदूर और व्यापारी जुड़ा हुआ है। अगर शुगर फैक्ट्री बंद होती है तो समझ लो डोईवाला बंद हो जाएगा। ये डोईवाला की शान है और गढ़वाल मंडल की अकलेती फैक्ट्री है। ये गढ़वाल मंडल की फैक्ट्री को बन्नी किया जाएगा, कुमाऊं मंडल की फैक्ट्रियां मुख्यमंत्री ने सब बचा ली, गढ़वाल मंडल की मात्र एक फैक्ट्री को बेचने का जो आदेश हुआ है। किसान डोईवाले का नहीं, पूरा सहसपुर विकास नगर का, हरिद्वार का किसान इस फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। किसान अपनी जान दे देगा, जमीन नहीं देगा और शुगर फैक्ट्री को किसी भी कीमत पे बिकने नहीं देगा। जो किसान यहाँ धरने पे बैठे हैं, बहुत खुशी की बात है कि सब लोग किसान एकजुट है, मगर शासन ने कल एक ऐसा लेटर जारी कराया जिसमें डोईवाला चीनी मिल को बंद किया जा रहा है। आज इन किसानों के समर्थन में हम लोग चीनी मिल के कर्मचारी भी इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। किसानों से हमने अपने लिए समर्थन मांगा है कि डोईवाला चीनी मिल को बचाया जाए, इसलिए किसानों ने हमें आश्वासन दिया है कि वह डोईवाला चीनी मिल को बचाने के लिए हमारे साथ कंधों से कंधा मिला के चलेंगे। शासन ने जो लेटर जारी किया है डोईवाला चीनी मिल को बंद करने के लिए, उसमें कुछ बातें ऐसी झूठी गई हैं कि पोंटे का गन्ने से फैक्ट्री चल रही है, जबकि पोंटे से मात्र 40-50 हज़ार क्विंटल गन्ना आता है। सब बरबंडा है। चीनी मिल को इन्होंने बेचने की पूरी तैयारी कर ली है। हम चीनी मजदूर इकट्ठा होकर इस चीनी मिल को बचाने के लिए शासन से लड़ाई लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, किसानों का समर्थन लेके आज हम भी किसानों के साथ चीनी मिल गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।